हेलो फ्रेंड्स, मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चॉकलेट केक की रेसिपी। इस चॉकलेट केक को मैंने बनाया है एगलेस और वो भी सिर्फ आटे का यूज करके। जी हाँ, जब भी एगलेस केक की बात होती है हमें लगता है कि उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी फ्लफी बनाया जा सकता है मैदा को यूज करके, लेकिन आज अगर आप मेरी इस रेसिपी को एंड तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे आटे को यूज करके भी हम कैसे चॉकलेट केक को स्पॉन्जी लाइट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इस चॉकलेट केक को बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक बाउल और इसमें मैं ऐड करूंगी एक कप जितना दही। तो दही इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है और दही आपका रूम टेम्परेचर पे भी होना चाहिए। तो ये घर का ही जमा हुआ दही है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है दही, आप देख सकते हैं जैसा घर में जनरली हम लोग जमाते हैं बिल्कुल वैसा ही है। और इसमें मैं ऐड करूंगी 3/4 कप जितनी देसी खांड। तो यहाँ पे आप बूरा ले सकते हैं, मिश्री का पाउडर ले सकते हैं, देसी खांड ले सकते हैं, गुड़ से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं इस स्वीटनर को। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप नॉर्मल शुगर यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके उसका पाउडर बनाएंगे। शुगर और दही का मिक्स होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है और सिर्फ 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। अक्सर आपने देखा होगा जो दही वाले केक होते हैं उसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक साथ डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है। अभी इस टाइम पे हम सिर्फ बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैं इसको रेस्ट करने रख दूंगी करीब 2 से 3 मिनट तक, जिससे कि जो दही है इसमें एक केमिकल रिएक्शन हो बेकिंग सोडा क्योंकि हमने ऐड किया है, और इस दही में बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे जिससे कि हमारा जो केक है वो बहुत स्पॉन्जी बनेगा। यहाँ पर है मेरे पास 1/3 कप जितना मिल्क। तो सेम उन्हीं कप से जो नॉर्मल टी कप्स होते हैं उसी से मैंने मेजर किया है। ये 1/3 कप जितना ल्यूक वॉर्म मिल्क है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना कॉफी, इंस्टेंट कॉफी। तो जो नेस्कैफे की कॉफी आती है ये बिल्कुल वही है, आप ब्रू, नेस्कैफे, जो भी आप कॉफी यूज करते हैं ये मैं डाल रही हूँ। इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा कॉफी का इस केक में, बट अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं और इसकी जगह आप नॉर्मल मिल्क ले सकते हैं ल्यूक वॉर्म। तो यहाँ पे मैंने मिल्क में कॉफी डाल दी है जिससे कि कॉफी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये भी हमारी रेडी है। तो दही को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसमें बबल्स फॉर्म होने शुरू हो गए हैं, बहुत ही लाइट हो गया है कर्ड इस टाइम पे। तो इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 कप जितना ऑलिव ऑयल। तो यहाँ मैं बटर का यूज नहीं कर रही हूँ, ऑलिव ऑयल का यूज कर रही हूँ इसको और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, जस्ट मेक श्योर कि उसकी कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर या स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। इसको हम एक बार अच्छे से विस्क कर देंगे। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि कितना लाइट हो गया है ये। इस टाइम पे आप मेक श्योर करें जो ऑयल है वो दही में अच्छे से मिस ब्लेंड हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इस टाइम पे मैं इसमें रखूंगी एक स्ट्रेनर और इसमें मैं ऐड करूंगी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर है मेरे पास 1 कप और 1/4 कप जितना आटा। तो इसको भी मैंने उन्हीं कप से मेजर करके रखा है। तो 1/4 कप आटा लिया है मैंने और 1/4 कप जितना लिया है कोकोआ पाउडर। सभी को छानना, स्ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। पहले हमने बेकिंग सोडा डाला था दही में और अब हम 1 टीस्पून जितना डालेंगे बेकिंग पाउडर। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज किया है तो मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक। अगर आप बटर यूज कर रहे हैं, सॉल्टेड बटर, तो सॉल्ट को आप इस स्टेप पे अवॉइड कर सकते हैं। इसको हम हल्के हाथ से स्ट्रेन करेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं एक तो छन जाएंगे, इस तरह के जितने भी ये डेले हैं कोकोआ पाउडर के ये अच्छे से
ऐसे हो जाएंगे और इसमें एक एयर इनकॉर्पोरेट होगी जिससे कि हमारा जो केक है अगेन बहुत लाइट और स्पॉन्जी बने। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इस टाइम पे हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आप देख सकते हैं जो केक का बैटर है ये बहुत ज्यादा थिक है। तो अब बारी आती है जो कॉफी वाला हमने मिल्क बना के रखा था उसको इसमें ऐड करने की। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें इसको ऐड करेंगे। ये जो मैंने मिल्क की क्वांटिटी बताई है ये डिपेंड करेगा आपका जो दही है वो कितना थिक था या कितना लूज था। तो अगर आपने बहुत थिक कर्ड लिया था, हंग कर्ड टाइप लिया था, तो मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, अदरवाइज थोड़ी कम लगेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको सरल सात्विक में दिखाई जाने वाली रेसिपीज पसंद आती हैं, आप उनको ट्राई करते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करके बताया करिए। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये बैटर बनके तैयार हुआ है। तो मैं बस इतना सा मिल्क रिमेनिंग है इसको भी मैं इसमें ऐड करूंगी। बहुत ही रिबन लाइक टेक्सचर इसका हो जाएगा और वो टेक्सचर परफेक्ट है एक अच्छे केक को राइज देने के लिए। ओवर मिक्स बिल्कुल ना करें। जैसे ही आपको लगे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं कोई लम्स नहीं है इसमें, बिल्कुल स्मूथ और सिल्की बैटर बनके तैयार है। इस टाइम पे मैं इसको जो प्रिपेयर्ड टिन है उसमें निकाल लूंगी। आज मैं यूज कर रही हूँ ये बेकिंग डिश ग्लास की, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और उसको मैंने ग्रीस कर लिया है और उसमें बेकिंग पेपर लगाया है, पैरचमेंट पेपर लगाया है, जिससे कि उसको डीमोल्ड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। हमेशा केक की जो टिन है उसके सेंटर में ही हमेशा बैटर को पोर किया करें। उसे क्या होगा, बिल्कुल लेवल्ड होगा जो केक का बैटर है सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक। इसको हम अच्छे से टैप कर लेंगे जिससे कि इसमें अगर कोई भी एयर बबल्स हैं तो वो रिमूव हो जाएं। अब मैं इसको गार्निश करूंगी कुछ अखरोट के साथ। तो बस ये हमारा रेडी है बेक होने के लिए। और मैंने ओटीजी को सेट कर दिया है 180 डिग्रीज पे और 30 टू 35 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे, जब तक कि जो हमारी सेंटर में जो हम टूथपिक इंसर्ट करेंगे वो नीट एंड क्लीन ना आ जाए। फ्रेंड्स, हमारा ये केक बेक होके रेडी है। इसमें 35 टू 40 मिनट्स लगे हैं बेक होने में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ओटीजी या अवन की कैपेसिटी क्या है। तो इसी तरह हम इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट करेंगे इस तरह की वायरिंग रैक पे, जिससे कि नीचे से ऊपर से एयर पास हो और ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और उसके बाद मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाऊंगी कि ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से राइज हुआ है। जब हमने बैटर डाला था तो ये सिर्फ हाफ था, ये जस्ट डबल हो गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप इस आटे से बनी चॉकलेट केक की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और हाँ, आप भी इसको एक बार ट्राई करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी टेस्टी, हेल्दी येट इजी टू मेक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। देखने में लग रहा है ना बहुत ही अमेजिंग ये केक बना है बिना एग के और बिना मैदे के। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जालीदार है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत लाइट है, बिल्कुल भी डेंस नहीं है ये।